ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। हम आज अपना मिथिला नगरिया के समस्त माय बाप भाई बहन सबके चरण वंदन करें। आई एक विषय पर हम चर्चा करे जा रहा छी, जे विषय के नाम से गुरुकुल। गुरुकुल के बारे में अहाँ सब अवश्य सुनले हो। जैसे देखो एकरा कहे छी गुरुकुल के संस्कार। गुरुकुल के संस्कार है, यह सब सिखाएल जाए छी गुरुकुल में। वास्तव में असली पढ़ाई यह छै, एकरे नाम है गुरुकुल। आगे देखी जाओ, सुनी जाओ। गुरुकुल ऐसा चीज है, चाहे के गुरुकुल में हरेक रंग के हरेक किस्म के संस्कार सिखाएल जाए छै। जैसे कि अहाँ सबसे एगो विनती की छै, अहाँ सब सरकारी या प्राइवेट स्कूल में अपना अपना बच्चा सबके पढ़ावे ला पठबै छी, लेकिन सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में संस्कार नहीं मिली छै। और संस्कार वहाँ मिली छै जेका नाम से गुरुकुल। गुरुकुल में अहाँ के हरेक रंग के संस्कार पायल जाए छै, ओकरे नाम है गुरुकुल। गुरुकुल में की सिखावल जाए छै, जैसे अहाँ सबके बच्चा स्कूल तो जाइया, स्कूल में जाके शिक्षा तो ग्रहण करिए, लेकिन वहाँ जाके सिर्फ शिक्षा मात्र ग्रहण करिए, शिक्षा के अलावा और कुछ नहीं। लेकिन गुरुकुल ऐसा ठाव है, गुरुकुल ऐसा स्कूल है कि वही गुरुकुल स्कूल में अहाँ के हरेक रंग के हरेक किस्म के संस्कार सिखाएल जाए छै। जैसे शुरुआत में जब गुरुकुल में अहाँ सब प्रवेश करबे, अपना अपना बच्चा के जब में डालबे, वहाँ ऐसा ऐसा तरह के संस्कार सिखाएल जाए छै कि बिगड़ल से बिगड़ल बच्चा गुरुकुल में जाके सुधर जाए छै। अपना माय बाप के ख्याल करे छै, अपना माय बाप से सही संस्कार में गप करे छै, व्यवहार करे छै। अहाँ सब गुरुकुल में स्कूल में पठाबे छी बच्चा के, हमरा ओहिसे कोई एतराज नहीं है। स्कूल में पठाओ, स्कूल के शिक्षा भी होना बहुत जरूरी है। गुरुकुल के गुरुकुल में किया है, शिक्षा भी होना अति आवश्यकता है। लेकिन हम अहाँ की कहे छी, दिन में अहाँ 8 घंटा 10 घंटा स्कूल में पठाबे छी, सिर्फ टाइम निकाल के 1 घंटा या 2 घंटा, ज़्यादा ना 1 घंटा 2 घंटा सुबह सुबह अहाँ गुरुकुल में पठाओ। गुरुकुल में पठाओ और देखिए गुरुकुल में गेला से अहाँ के बच्चा पर की प्रभाव पड़े छै, ओकर की असर होइ छै, अहाँ सबके पता चल जाए। गुरुकुल में सबसे प्रथम शिक्षा है, सुबह सूत उठ कर अहाँ के सूत उठ कर स्नान करके सूर्य नमस्कार करके, ओकरा बाद माय बाप के चरण छूकर आशीर्वाद लेकर आगे जब प्रस्थान करे छै, तब अहाँ के जाए छै कतौ गुरुकुल में। गुरुकुल में गेला के बाद गुरुकुल में जाते ही गुरु के गुरु प्रार्थना करे छै, ओकरा बाद ईश्वर प्रार्थना, सरस्वती प्रार्थना, योग शिक्षा, देशभक्ति, सब अहाँ के गुरुकुल में सिखाएल जाए छै। अहाँ सब हमरा मिथिला नगरिया वासी से हमरा एतबे अनुरोध छै, एतने विनती करै छी कि अहाँ सब गुरुकुल में बच्चा के पठाओ, गुरुकुल में बच्चा के पढ़ाओ, अहाँ के इससे बहुत लाभ होतै। और अहाँ जब तक हम अहाँ सब गुरुकुल में अपना अपना संतान के नहीं दाखला करबे, गुरुकुल में नहीं भर्ना करबे, गुरुकुल के शिक्षा नहीं देबे, संस्कार नहीं देबे, तो आगे कुछ विकास नहीं कर सके। अहाँ कमा के इतना जमा करबे के लिए, लेकिन बच्चा के संस्कार न देबे, ओकरा व्यवहार न रहते, ओकरा पास छोट बड़ के लिहाज न रहते, इज्जत न कर सकते, वहाँ के धन सम्पत्ति के कभी न रक्षा कर सकते। आज अहाँ ओकरा गुरुकुल में न पढ़ेलिए, संस्कार न दिलिए,
स्कूल में गेला के बाद में स्कूल में पढ़ाई होइ छै, स्कूल में अच्छा से पढ़े छै, विद्यार्थी पढ़े छै, लेकिन गुरुकुल में पढ़ाई के साथ साथ अपन धर्म के भी, अपन मिथिला के संस्कार के भी, अपन मिथिला के धर्म के भी बचाव होइ छै। गुरुकुल में है कि खाली पढ़ाइए ना होइ छै, में हर एक रंग के काम होइ छै, पूजा से लेके हर एक रंग के व्यवस्था है गुरुकुल में। आप अहाँ सब देख रहा छी कि अपना मिथिला में, या पूरा देश के बात करे छी, मिथिले में नहीं, पूरा देश के बात करे छी कि धर्म के लुप्त होते जा रहा छी। किया काहे से हम सब अहाँ सब ओहि प्रति चांसो नहीं दे रहा छी, लेकिन ओहि प्रति चांसो नहीं देवी तो ऐसे काम नहीं चलते। आज जो देखी छी अहाँ सब किस्म किस्म के वायरस, किस्म किस्म के आतंकी, किस्म किस्म के जे नाश हो रहा है, आदमी सब मर रहा है, कारण ओकर की कि धर्म के लुप्त। हम अहाँ सब धर्म के लुप्त करे जा रहा छी, धर्म के लुप्त करे जा रहा छी। धर्म के लुप्त करबे तो सृष्टि बहुत जल्दी नाश भ जेतै। ओहि के लेके हमारा अहाँ सबके हमरा ओर से इतने विनती छै, इतने प्रार्थना छै, पैर छू के अहाँ सबके प्रणाम करै छी कि अहाँ सब भी अपन धर्म के बचाओ, अपन धर्म के जगाओ। जे धर्म अहाँ सब भूल गेल छी, हम सब भूल गेल छी, ओकरा जगाओ। देख रहल छी अहाँ सब मुसलमान सब में हर कुछ कैल के बावजूद भी अपन धर्म न छोड़े छै। दिन के तीन टाइम नमाज, चार टाइम नमाज पढ़बे करे छै। जब मुस्लिम सब अपन धर्म बचा सकै छै, वो अपन कर्म कर सकै छै, तो हम अहाँ के न कर सकै छै? ओहिमे की कारण छै न कर सकै छै? ओहिमे लगबै, ओहिमे जागरूक होबै। ओहिना ते अहाँ सब देख रहल छी संसार में हरेक देश में मुस्लिम सब किए के एक रहै छै, कोनो बात रहै छै। देख लेब अहाँ सब ध्यान से, मुस्लिम सब हरेक कंट्री में ओकरा सबके एकता रहै छै। ओकर कारण है ओकर धर्म। ओ सब अपन धर्म नहीं छोड़े छै, चाहे लाख विपत्ति पड़ जाए लेकिन अपन धर्म नहीं छोड़े छै। तो ओहने जब मुस्लिम सब न छोड़ सकै छी, तो हम अहाँ सब कला भूल रहल छी, किएक भूल रहल छी अपन धर्म? अपन धर्म जे है हमरा अहाँ के पूर्वज सब देख लिए, धर्म के चलते, धर्म के वजह से वो सब की से की कल के कहाँ से कहाँ गए, कभी वो सब के कोई चीज के दिक्कत ना भेले। लेकिन हमरा सब के इस युग में देखियो की हो रहा है, धर्म के विनाश होते जा रहा है। ओहि के लेल अहाँ सबसे प्रार्थना करे छी कि धर्म के बचाओ, अपन संस्कृति बचाओ। यह छै हमरा सबके मेन संपत्ति, मेन संपत्ति यह छै कि हमर धर्म जिंदाबाद रहते, हमर मिथिला के संस्कार जिंदाबाद रहते। पूरा समस्त हिंदू परिवार से हम एतबे अनुरोध करै छी कि अपन धर्म बचाओ। आज जे देख रहल छी अपन धर्म छोड़ छोड़ के बहुत ऐसन लोग क्रिश्चियन बन रहल है, बुद्धिस्ट बन रहल है, किया कि हम अहाँ सब धर्म के लुप्त कर रहल छी। जगाओ के उहे बात हम ओतबे कहे चाहे छी अहाँ सबके। और इतने कहे हमारी पहला वीडियो है, पहला वीडियो के मार्फत हम अहाँ सबके ई सूचना देवे चाह रहल छी कि गुरुकुल की छै, गुरुकुल के बारे में अहाँ सबके बतौली, गुरुकुल में किया के पढ़ावे के चाहे अपना संतान के, ओहि के बारे में अहाँ सबके कहली। अहाँ सबके अगर अच्छा लागल हमर प्रस्ताव, अगर सबके अहाँ सबके अच्छा लागल, तो हमरा पूर्ण विश्वास है कि अहाँ सब सपोर्ट जरूर करबे और हमरा सबके मनोबल बढ़ाबे की काम के आगे बढ़ाबे। अहाँ सब सपोर्ट करबे तभी हम अहाँ सब आगे बढ़ सकबे। हमरा सब अभी के फिलहाल हम सब 50-60 आदमी भ गेल छी मलेशिया में ए अभियान के चलाबे के लेल। 50-60 आदमी हम मिल गेल छी, एकर अभियान चला रहल छी। अहाँ सब सपोर्ट करबे तो पूरा मिथिला वासी के सपोर्ट से हम सब बहुत कुछ कर सकै छी, बहुत गुरुकुल के आगे बढ़ा सकै छी। इतना कहे विदा चाहे छी, नमस्कार प्रणाम, अपना मिथिला के जय जयकार करे, मिथिला के वासी सब के नमस्कार प्रणाम, सपोर्ट करब।